हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने चैनल में लफ्फा गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम ग्रो करने लगे हैं एडेनियम के सीड्स। ये मिक्स सीड्स हैं, यानी तीन से चार कलर के मल्टीपल फ्लावर्स हैं। मतलब ये जो सीड्स हमने मंगवाए थे ऑनलाइन, हमने मंगवाए हैं अमेजोन से। इससे पहले भी मैंने मंगवाए थे जो बिल्कुल अच्छे से ग्रो हुए थे, लेकिन मेरा जो पॉट था जिस पॉट में मैंने ग्रो किए थे, वो बाई चांस स्वीपर ने इधर उधर कर दिया था, वो दोबारा मिला नहीं, लेकिन उनकी जर्मिनेशन हो गई थी। अब ये मैंने दोबारा मंगवाए हैं। ये तकरीबन तीन से चार तरह के एडेनियम के सीड्स हैं और ये थाईलैंड से आते हैं, अमेजन से। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, वहाँ पे इसकी बोनसाई की बहुत ज़्यादा आर्ट है। यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बाकी बांग्लादेश वगैरह में इतना इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन अब लोग इन्हें ग्रो कर रहे हैं। इनके फ्लावर्स बहुत अच्छी होती हैं और इनकी जो स्टेम होती है, बॉटम होती है, उस पर जिस तरह पोनी सी बनी होती है, जिस तरह पोनी टेल पाम होता है, इस तरह का फील होता है। और ये बहुत प्यारे हैं। इनका ग्रोइंग सीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको ऐसे पॉट में ग्रो करने हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, और इसमें आपने 80% गार्डन सॉइल यूज़ करनी है, 20% सैंड यूज़ करनी है, और आपने इस तरह उसको मॉइस्चर पहले से ही दे देना है कि यानी हाफ जो ऊपर सॉइल और सैंड मिक्स है, 80% और 20% की जो रेसिपी, वो इतनी से या थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाना चाहिए उसके अंदर। और ये एयर टाइट जार लेना है, और इसको आपने सीड्स लगाने के बाद आपने इसको इनडायरेक्ट सनलाइट के सामने रखना है, यानी आप किसी विंडो के सामने रख सकते हैं जिसमें 1 से 2 घंटे अगर सनलाइट आए भी तो वो फिल्टर्ड होके आए, ताकि इसको ज़्यादा हीट ना मिले। थोड़ी बहुत हीट चाहिए भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल डायरेक्ट रखते हैं। आपने इसकी सॉइल को इसी तरह ही तकरीबन मॉइस्चर देना है, मॉइस्ट रखना है। अब हम सीड्स इसके ग्रो करते हैं। ये काफ़ी अच्छा वाला पॉट है, बस हम इसको इस तरह करके थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। गैप आप 1 से 1.5 इंच का करें तो कोई इतना इशू नहीं है। मैं अब सारे एक बार लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 10 सीड्स ऐसे हैं जो मुझे हेल्थी लग रहे हैं। 2 से 3 सीड ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल एक लीफ सा है, यानी वो ऐसा लग रहा है कि फेक सीड्स दे दिए हैं। अब हमने पहले से इसको मॉइस्चर किया हुआ था थोड़ा सा, हाफ पॉट को। आपने एयर टाइट पॉट लेना है। अब हमने 80% सॉइल और 20% सैंड का जो हमने पाउडर्ड फॉर्म मिक्सचर है, वो हमने सीड्स के ऊपर स्प्रिंकल करना है। बस इतना सही स्प्रिंकल करना है कि वो बस थोड़े से छुप जाएं। अगर आपने ज़्यादा किया तो इनकी जर्मिनेशन नहीं होगी और ये सीड्स यहीं पे दब जाएंगे और इन्होंने यहीं पे डेड हो जाना है, इन्होंने यहीं पे गल जाना है। अब आपने ये इस तरह कर लिया, देख लें, ज़्यादा नहीं करना बस। उसके बाद आपने इसको अब एयर टाइट कर देना है, लेकिन एयर टाइट करने से पहले आपने इसको हल्का सा मॉइस्चर दोबारा देना है, यानी थोड़ा सा शावर करना है। और वो शावर को आप थोड़ा सा दूर करके करें, थोड़ा सा, मतलब कि बस जहां जहां पे आपके सीड है वहां वहां पे आप शावर करते रहें थोड़ा थोड़ा सा। मैंने लाइन में लगाए थे तकरीबन। इसकी जो जर्मिनेशन है वो 18 से 20 या मैक्सिमम 25 दिन तक ना फील हो जाएगी कि आपके सीड जो है वो ग्रो कर गए, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। बहुत प्यारा प्लांट है ये हमने इसको मॉइस्चर दे दिया। अब हम इसको एयर टाइट करते हैं। जी, एयर टाइट करके हमने इसको विंडो के सामने रखा है, यानी धूप सुबह 2 से 3 घंटे की फिल्टर्ड होके आती है। ऊपर मैंने टैग लगा दी है 10 तारीख थी, और अब देखते हैं कितने दिन में जर्मिनेट होंगे। देख लें आप एटमोसफियर का इसका लेवल चेक कर लें, इसमें ह्यूमिडिटी आपने मेनटेन रखनी है। सिर्फ 4 दिन के बाद हमारे 2 सीड जर्मिनेट हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ भी ठीक है, यानी फील हो रहा है कि हेल्दी प्लांट बनेंगे। बाकी अभी तक कोई जर्मिनेशन नहीं हुई है। इसका मैंने कैप को हमेशा क्लोज ही रखा है। देखें इसका, देखें किस तरह इसका एटमॉस्फेयर भी इस तरह कंट्रोल रहा है, और ये विंडो के सामने पड़ा रहा है ताकि इसको थोड़ी हीट भी लगती रहे। अब हम मज़ीद वेट करेंगे, इसको फिर दोबारा एयर टाइट कर देंगे। इसके ऊपर मैं 2 से 3 पानी के शावर कर दूँगा ताकि फिर दोबारा ह्यूमिडिटी बनी रहे। अब और हम इंतज़ार करते हैं इसका। अभी सिर्फ 4 दिन हुए। सिर्फ 6 दिन के बाद देखिए हमारे टोटल 5 सीड जर्मिनेट हो चुके, 1, 2, और ये भी हेल्दी है। ये बस नीचे से अपना सर निकाला और एक ये छोटा सा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यानी हमारे 5 सीड हो गए हैं 6 दिन बाद जर्मिनेशन हो गया। बाकी का भी रिजल्ट मुझे अच्छा फील लग रहा है। चले देखते हैं मज़ीद वेट करके। फ्रेंड, आज सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बाद हमारे ये सीडलिंग जो है 7 जर्मिनेट हुए थे टोटल। ये गलती से मुझसे यहाँ से टूट गया था। अब हमारे पास 6 हैं, यानी मतलब 2 सीड तो हमारे ऑलरेडी ख़राब थे। शुरू में फील हो रहा था कि ख़राब हैं। अब हम इनको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इनको एक
ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा था जहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर दिया था। अब मॉइस्चर जहाँ तक देना था वहाँ तक तो ठीक है, अब हमने इसको ओपन लैंड में लगाना है, मतलब इसके लिए हमने पॉट सेलेक्ट करना है। अब इसके लिए जो हमने सॉइल यूज़ किया वो है 20% सैंड है और 60% हमारे पास भालू मिट्टी है, और बिल्कुल फाइन सा जो पाउडर टाइप जो ग्रेवल होती है वो हमारे पास 20% है इसका मिक्सचर। अब इसको हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे। इन फ्यूचर मेरा ये प्लान है कि इन सबको मैं एक ही जगह लगा के और इन सबको मैं कंबाइन करूँगा, मतलब इनकी जो बेस होगी जो उनके ट्रंक होंगे वो एक ही जगह मैं कंबाइन करूँगा ग्राफ्ट करके, इसलिए मैं इनको एक ही पॉट में लगाता हूँ। ये एक प्याला टाइप पॉट है बिल्कुल, यहाँ पे अब इनको मैं शिफ्ट करता हूँ। हमारे 6 के 6 प्लांट ट्रांसप्लांट हो गए हैं देख लें, और ज़्यादा सैंडी सॉइल है इसमें 25 to 30%। अब हम इसको फ्यूचर में इनको कंबाइन करेंगे, इनके ट्रंक को बिल्कुल साथ ग्राफ्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, इसलिए मैंने ये सारे एक ही पॉट में लगा दिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।